तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल की फॉर्मूला पे। तो चलिए हम स्टैटिकल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। स्टैटिकल फॉर्मूला, जैसे कि हमने आपको सम इफ काउंट इफ वगैरह तो करा ही दिया था, एवरेज इफ भी करा दिया था। अब हम मैक्स के ऊपर बढ़ते हैं कि मैक्स से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम नंबर से। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास होता है मैक्स। मैक्स फॉर्मूला आपको बताता है कि ओवरऑल लिस्ट में से मैक्स कौन सा है, और मिनिमम फॉर्मूला बताता है कि इसमें से मिन कौन सा है। ये जनरली आप लोगों को आता ही होगा और इसके सीखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैक्स ए और मिन ए, इसका भी जरूरत पड़ जाता है। ये सिमिलर है आपके किसके, जो हमने आपको एवरेज ए फॉर्मूला बताया था। इसके लिए मुझे एक डेटा चाहिए डेसिमल्स का। हम यहाँ पे डेसिमल्स वाला डेटा का आपको इफेक्ट समझ में आएगा। डेसिमल वाला डेटा में यहाँ पे ट्रू लगा हुआ है और कहीं पे फॉल्स लगा हुआ है। अब देखिए, अगर आप सिंपल मैक्स फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें आपकी जो मैक्सिमम नंबर है वो आ जाएगा, क्योंकि मैक्स फॉर्मूला ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है। जी हाँ, मैक्स फॉर्मूला ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है, और सेम मिन फॉर्मूला भी ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है। लेकिन इसी में अगर मैं मैक्स ए फॉर्मूला लगाऊं तो मैक्स ए मतलब कि मैक्स ऑल ए ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर करता है। तो ट्रू को क्या लेगा, तो ट्रू को ए वन लेता है और फॉल्स को क्या ले लिया, इसने जीरो ले लिया, इसलिए इसने मैक्सिमम नंबर वन दिखाया। अगर मैं यहां पे मान लीजिए फाइव लिख दूं तो मैक्सिमम फाइव होगा क्योंकि वन से बड़ा है फाइव। उसी तरीके से आपका मीन ए फॉर्मूला भी वर्क करता है। अगर मैक्स ए मीन ए लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा डेटा में टू फॉल्स होगा तो टू फॉल्स को ही शो करेगा मिनिमम और मैक्सिमम। ओके, लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम निकालनी है एक पर्टिकुलर पर्सन्स की, जैसे मुझे निकालना है पूजा, तो पूजा में मैं मैक्स इफ का फॉर्मूला, अब मैक्स इफ का फॉर्मूला लेटेस्ट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा ये 2016 या 19 में आया है, 13 में नहीं होगा। मैक्स इफ, मैक्स विथ कंडीशन, जैसे कि आपने सम इफ, जैसे आपने काउंट इफ, जैसे आपने एवरेज इफ लगाया, उसी तरीके से हमारा ये मैक्स इफ है। इसमें आपको मैक्सिमम रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, पहली क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लीजिए और अपना क्राइटेरिया डाल दीजिए, ये आपका मैक्सिमम आ जाता है। अगर मैक्स निकालना है आपको और आपके पास मोर देन टू क्राइटेरिया है, जैसे कि मैं यहां पे सिटी भी दे देता हूं, तो मुझे मान लीजिए कि यहां पे पूजा नोएडा ने मैक्सिमम सेल कितना किया है ये पता करना है। तो वी कैन यूज सेम मैक्स इफ फॉर्मूला, मैक्स इफ, और हम मैक्स रेंज को सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया वन को सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू को सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया टू, यहां जीरो है क्योंकि नोएडा पूजा जो है नोएडा में सेल किया ही नहीं। यहां पे टाइप करूं तो आपको यहां पे आ जाएगा। और इसमें भी जैसे आप लगाते थे कि भाई स्टार प्लस फंक्शन के स्टार पूजा हो, याद होगा सर, कंटेन दोनों तरफ कर देंगे तो पूजा होगा या पूजा कुमार होगा या पूजा सिंह होगा, सबको ले लेगा, पूजा होना चाहिए दोनों तरफ। और इसमें भी ग्रेटर देन, जैसे मान लीजिए हमें पूजा का चाहिए लेकिन लेस देन 50 में मैक्सिमम क्या है ये बता करना, तो यहां पे आप मैक्स इफ यूज कर सकते हैं। यहां पे क्राइटेरिया वन रेंज
लिया टू रेंज और क्राइटेरिया टू, मैक्स रेंज। अच्छा यहां पे डॉट लग गया, इस तरह से क्राइटेरिया लगा सकते। तो मैक्स सीट का फॉर्मूला सुनील जी, सुरेंद्र जी एंड दीपक जी, समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। क्लियर है ना जी? चलिए अब इसमें और आगे हम बात करते हैं कि अब जैसे कि आपने मैक्सिमम का फॉर्मूला तो निकाल लिया, लेकिन मुझे यहां आप मैक्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आपको जैसे 89 इसने बताया हुआ है, तो 89 इसने ओवरऑल दिया हुआ है ना कि इसमें ओवरऑल सेल, ओवरऑल मैक्सिमम क्या है, हाईएस्ट। लेकिन मुझे ये देखना है कि 89 के बाद कौन सा मैक्सिमम है या उससे नीचे वाला कौन सा है। सेम, अच्छा सबसे छोटा 10 है, 10 से ऊपर कौन सा है, समझे? क्योंकि मैक्सिमम हम एक सीक्वेंस देखना चाहते हैं कि हाईएस्ट मैक्सिमम क्या है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है। जैसे टॉप 5 आपको निकालना है, टॉप 5, तो मैं यहां पे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये सीरियल नंबर जरूरी है, और यहां पे हम सेल्स चाहते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे। लार्ज हम यहां एरे को सिलेक्ट करते हैं और हमें किसका लार्ज चाहिए, सीक्वेंस पहला लार्ज चाहिए। मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं तो आपको आ गया, इसके 89 दो बार है इसलिए यहां पे दो बार आ गया, तो ये आपका हाईएस्ट आ गया। ऐसे अगर मान लीजिए आपको बॉटम 10 चाहिए तो स्मॉल माने कि टॉप 5 नहीं बॉटम में से चाहिए, बॉटम 5 चाहिए, तो इसके लिए आप सेम स्मॉल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरे में इसका यूज मैं आपको बहुत सारा यूज करके दिखाऊंगा। इसको सिलेक्ट कर लिया और हमने सिलेक्ट कर लिया नंबर्स को, ये आपको बता दिया कि हमारा बॉटम फॉर्मूला क्या है, ठीक है सर? तो टॉप 5 एंड बॉटम 5 हमने आपको यहां पर करके दिखा दिया। डाउट सर? No, इसी में मुझे रैंक का फॉर्मूला चाहिए। जी हाँ, इसी में मुझे रैंक का फॉर्मूला चाहिए, तो कैसे होगा? रैंक फॉर्मूला, रैंक क्या है, इसे मुझे पता करना है कि 75 जो है हमारा वो किस पोजीशन में है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं रैंक का। जी हाँ, रैंक, रैंक में हमने सेलेक्ट अपना नंबर को सिलेक्ट किया और हमने सिलेक्ट किया अपना रेफरेंस को, फिर हमने सेलेक्ट किया ऑर्डर की ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चाहिए। तो 16 नंबर पोजीशन है, मतलब कि मैं यहाँ 5 को ऐसे कंटिन्यूस लेके आऊ, 16 तक लेके आऊ तो 75 दिख जाएगी। तो ये रैंक का काम होता है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, सुनील जी कोई डाउट आपको? तो नहीं सर। इसके अलावा अगर आप स्टैटिकल फॉर्मूला में जाते हैं तो इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन सारे फॉर्मूले जो है हमारा इसके पीछे मैथमेटिक का फॉर्मूला है। मैं उसके लिए आपको मैथमेटिक, उस तरह के मैथमेटिक को समझना होगा, तब जाके इसको आप कर पाएंगे, समझ गए? तो फिर भी आप अलसी चीज है कि ये सारे फॉर्मूले उतने यूज नहीं होते हैं जितने इसे मैक्सिमम था, ऐसे मिनिफ भी है। मिनिफ आप मार्क कीजिएगा, मिनिफ आपको बताना भूल गया, जैसे मैक्सिमम अपने लगाया ऐसे मिनिफ आप यहाँ पे लगाएंगे। आई थिंक उसको आप लगा के देख सकते हैं, ठीक है सर? ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है, जैसे बहुत सारे नंबर्स देते हैं उसमें वेरिएंस निकाल कर दे देता है।
तो एक बार आप इस फॉर्मूले को, ये स्टैटिकल फॉर्मूले को एक बार अपने हिसाब से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जो फॉर्मूला आपको लगा कि नहीं ये सीखना चाहिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे बताइएगा, हम आपको फॉर्मूला समझा देंगे, ठीक है। ओके मैम, ओके सर।